तो भाई साहब, पहले शेरशाह, देन आर्टिकल 15, देन उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड बॉर्डर, एंड नाउ योद्धा। भाई मूवी देख ली है, रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली विदाउट एनी स्पॉइल। मतलब स्पॉइलर यहां से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि भाई ये मूवी देखनी है तो क्यों देखनी है, अगर नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है। फिलहाल मूवी को देखना ही पड़ेगा क्योंकि भाई यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर ये मूवी करके जाएगी डेफिनेटली, खासकर मुझे भी करके गई है। और जो गूज बम्स देके जाएगी, एक आर्मी पर्सन की लाइफ क्या होती है, उसमें जो डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सॉरी डिसिप्लिन मेंटेन, इससे खैर नहीं पता, वो आगे मूवी में बताएंगे भाई। तो रिव्यू करते हैं, स्टोरी, प्लॉटिंग, कास्ट कैसी है, देन उसके बाद एक्शन किस हिसाब का मिला है, ट्रेलर में जितना प्रॉमिसिंग ट्रेलर था क्या उतनी प्रॉमिसिंग ये मूवी है, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भाई बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक, एक सपोर्ट, और हम ऐसे ही लगातार बने रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे समय समय पर। तो भाई बात करें, अगर स्टोरी प्लॉटिंग की शुरुआत करें तो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि एक्शन मूवीज में जहां पर बहुत ज्यादा ये पैट्रियोटिज्म का कनेक्शन अगर भी दिखाते भी हैं, तो बहुत जगह ये गूजबम्स या फिर कुछ ऐसे इमोशनल सॉन्ग्स या इमोशन का ही यूज करके वो कनेक्शन सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से भाई स्टोरी प्लॉटिंग है, लेयर बाय लेयर ये जो मूवी बढ़ती है प्लॉट बाय प्लॉट, जिस हिसाब से प्लॉटिंग हुई है, देन उसके बाद वो प्लॉट रिवील आउट हुआ है। फर्स्ट हाफ दमदार था, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते ही कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है, इंगेजिंग। दूसरा कि यार स्क्रीन प्ले बहुत टाइट था, दमदार था। और स्टोरी की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एज आर्मी पर्सन दमदार जमराय, इसकी एक यूनिट होती है जो योद्धा के नाम से होती है, एक ऐसी स्पेशल फोर्स जहां पर इन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जो पहले हाईजेक प्लान हो जाता है, बट ये नाकाम हो जाते हैं और यहां से इनकी कहानी पूरी खराब हो जाती है। भाई वही चीज को दिखाया गया है जो मतलब ट्रेलर में सब कुछ दिखा रखा है, इतना बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी में नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिस हिसाब से डायरेक्शन गया है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग ने जो आग लगाई है, वो मूवी को फुल कैची, इंगेजिंग, दमदार बनाती है। बात करें अगर एक्शन एंड मास मसाला की, तो एक्शन में भाई दमदार है, क्योंकि पैट्रियोटिक मूवी में कई बार हमें फोर्स के साथ वो कनेक्शन एंड एक्शन सेट करके दिखाया जाता है, लेकिन भाई सिंगल हैंड कॉम्बैट की बात कर ले लो तो दमदार था, देन गन बैटल की बात ले लो तो वो भी दमदार था। और जिस हिसाब से डायरेक्शन में भाई कैमरा का रोल राउट हुआ है, आपकी गर्दन घूम जाएगी क्योंकि डायरेक्शन ने मेहनत करी है भाई। मतलब जो ट्रेलर से दिखाया गया था कि एक्शन के मामले पर जो ट्रेलर या फिर ये जो मूवी है बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी, ये वाला पार्ट बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, बीच में थोड़ा सा आपको एक आध जगह के लिए थोड़ा सा बोरियत हो जाएगी, क्योंकि मूवी की लेंथ 2 घंटे 23 या 24 मिनट के आसपास है, मुझे इतना कन्फर्म याद नहीं हो रहा, अगर आपको बताओ तो नीचे जरूर बता के जाना। तो उस हिसाब से अगर एक्शन की बात करें तो भाई एक्शन में ये मूवी कहीं पर भी मात खाई नहीं है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो आग दिखाई है। लेकिन योद्धा वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी होने वाली है आफ्टर शेरशाह, पैट्रियोटिक कनेक्शन के मामले में, देशभक्ति वाली मूवी के मामले में भाई ये दमदार होने वाली है। बात करें म्यूजिक एंड बीजीएम की, तो भाई ऐसी मूवीज में इनका बहुत रोल प्ले होता है, खासकर एक्शन मूवीज में जहां बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार ना हो तो आपका कनेक्शन सेट नहीं हो पाता। भाई बहुत जगह गूजबम्प देके गया है, एक ऐसा इमोशन सेट करके गया है जो कई बार गला भर के भी जाएगा आपका, बिल्कुल, क्योंकि हाईजैक वाला सीन है और वहां जब आपको कोई छुड़ाने आएगा, देन उसके बाद सारे लोगों की जो सिंपथीज जो आपकी तरफ डायरेक्शन देंगी, तो वो सारा सिनेरियो एक बार के लिए भाई वो हैवी मोमेंट बन जाता है। कास्ट की बात करें तो कास्ट दमदार है, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने मेल लीड में तो दमदार है ही है, साथ में सपोर्टिंग कास्ट में दिशा पटनी और राशि खन्ना, दमदार काम किया है इन्होंने भी। और एक बार जाओ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि थिएटर एक्सपीरियंस के लिए देखो बहुत सी मूवीज होती हैं जिन्हें जबरदस्ती का रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन भाई जो ऐसी एक्शनल मूवी होती हैं जिनपे VFX का काम भी बहुत फाइन तरीके से इस्तेमाल हुआ है, ऊपर से धर्मा प्रोडक्शन बड़ा प्रोडक्शन हाउस का हाथ इसके सर पे है, तो ये लोग भाई वो कलर ग्रेडिंग VFX के विजुअल इफेक्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं करी है, जो बिल्कुल लोगों को सीट से चिपका के गया है, और एक रीजनेबल कि अपना टाइम खर्च किया है तो भाई वो वसूली हुई है आपकी। एंटरटेनमेंट के पर्पज से दमदार है, वन टाइम वॉचेबल कहेंगे, बिल्कुल है वन टाइम वॉचेबल, लेकिन भाई अगर आपका मन करेगा तो दूसरी बार भी देख लेना, क्योंकि मैं वेट करूंगा OTT पर, जब आए तो मैं जरूर देखूंगा। बाकी दैट्स माय रिव्यू, और यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, सपोर्ट की बहुत कमी रहती है, लाइक के बेस पर हमें YouTube बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जिससे कि और भी ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आता है कि यार और भी ज़्यादा एफर्ट मारे, और भी ज़्यादा डिग आउट करके वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इतनी बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाएगी, आपको मजा आ जाए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।